एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, साइंस वन, मेटलर्जी, एट चैप्टर, फोर्थ वीडियो. एक्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्टिव मेटल्स, द मेटल एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर हाईली रिएक्टिव. देखो हमने सेकेंड वीडियो में देखा था रिएक्टिविटी सीरीज होती है, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज जो साइंटिस्ट ने बनाई है अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी, के मेटल जो रिएक्टिव हाईली रिएक्टिव रहते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव रहते हैं, लो रिएक्टिविटी वाले रहते हैं, उसके हिसाब से जो सीरीज जो ऑर्डर में अरेंज किया गया है मेटल्स को. तो यहाँ पे जो टॉप है वो टॉप मेटल है रिएक्टिविटी सीरीज के. देयर रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द सीरीज, उनकी रिएक्टिविटी जैसा जैसा नीचे आते हैं रिएक्टिविटी कम होते जाती है. फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम आर रिएक्टिव मेटल्स. पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम ये रिएक्टिव मेटल है, सीरीज में देख सकते हैं. रिएक्टिव मेटल्स हैव लार्ज कैपेसिटी टू फॉर्म कैटायंस बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल. रिएक्टिविटी सीरीज में जो ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है वो ईजली कैटायंस बन सकते हैं, मतलब उनकी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी रहती है पॉजिटिव आयन बनने की. कैटायन मीन्स पॉजिटिव आयन. लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, लूज करके इन द आउटरमोस्ट शेल. आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो ईजली कैटायंस यानी पॉजिटिव आयन्स बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल द रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विगरसली विद द डायल्यूट एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस. एग्जाम्पल दिया है. देखो जो रिएक्टिविटी सीरीज, टर्न करके बता दूं क्योंकि कुछ लोगों को याद नहीं रहता है, बार बार भूल जाते हैं. दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज. ये रिएक्टिविटी सीरीज थी जो हमने प्रीवियस वीडियोज में पढ़ी है, ठीक है. इसके हिसाब से ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है, ये मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स है, मेटल्स है, मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेट और लो रिएक्टिव मेटल, और ये सबसे लीस्ट है गोल्ड. राइट. सो ये जो पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, थिन, लीड, ये सब रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे है, यानी जल्दी से रिएक्ट करते हैं. सो डाइल्यूट एसिड से बहुत तेजी से रिएक्ट होके हाइड्रोजन गैस फॉर्म होते हैं. हाईली रिएक्टिव मेटल बर्न्स बाय रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एट रूम टेम्परेचर. और जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट होते हैं हवा में रूम टेम्परेचर पे तो ये जलने लगते हैं, आग लगती है इसमें. दिस एक्सट्रैक्शन हैज़ टू बी डन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन. और ये एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन. फॉर एग्जाम्पल द मेटल सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड सॉल्ट. सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम कैसे पाया जा सकता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करके उनको मोल्टन में, मोल्टन मतलब मेल्टिंग, मेल्ट पॉइंट, मेल्टेड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, मोल्टन क्लोराइड सॉल्ट को सोडियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड, उसके जो सॉल्ट में उसको मेल्ट करके इलेक्ट्रोलाइसिस करके उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. क्योंकि ऐसी एक्सट्रैक्ट करेंगे तो सोडियम डायरेक्टली आग पकड़ लेता है, ठीक है. इन दिस प्रोसेस मेटल इज डिपॉजिट ऑन कैथोड वाइल क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड. इलेक्ट्रोलाइसिस में होता क्या है, सोडियम कैथोड पे डिपॉजिट होता है और क्लोरीन गैस एनोड से लिबरेट होने लगता है. द इलेक्ट्रोड रिएक्शन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड टू गेट मेटालिक सोडियम आर एज शोन बिलो. रिएक्शन दिया है पीछे पेज पर, पेज नंबर 102 कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट इज पेज नंबर 103. सो पेज नंबर 103 पर रिएक्शन है कैथोड रिएक्शन. कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम को, सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम बन जाता है, Na प्लस सोडियम आयन है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके प्लस वन इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स सोडियम Na. इसको रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं. और एनोड पे क्या रिएक्शन होता है, क्लोरीन 2Cl माइनस, यहाँ पे माइनस साइन है, Cl माइनस, ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन है. क्लोरीन जो नेगेटिव साइन, जो एक इलेक्ट्रॉन उसके पास रहता है सोडियम से छिना हुआ, उसमें माइनस साइन होती है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा. क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये ऑक्सीडेशन टाइप ऑफ रिएक्शन है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. कैथोड पे जाकर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्लोरीन पे जाकर एक इलेक्ट्रॉन, एनोड पे जाकर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है. अब यहाँ सिर्फ डायरेक्ट लिखा हुआ है, कुछ बताया नहीं है, तो मैं शॉर्ट में बता दूँ. इलेक्ट्रोलाइसिस नाइन्थ में भी पढ़ा होगा, मोडियम मोल्टेड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन लिया जाता है, मोल्टन सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन,
और दो इलेक्ट्रोड डिप किए जाते हैं, कैथोड और एनोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ऑलराइट। और फिर इसको बैटरी से कनेक्ट किया जाता है कुछ ऐसा। अब इसमें जो सोडियम क्लोराइड पार्टिकल्स है, Na+, जो Na+ है वो माइनस इलेक्ट्रोड यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाकर जमा होंगे। सोडियम यहाँ पर जमा होएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, यहाँ पर जाकर वो एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ पे जमा होने लगेगा। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा और यहाँ पर जाकर क्लोरीन गैस लिबरेट होने लगेगा, क्लोरीन गैस फॉर्म में बन के रिलीज होने लगेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस है जो 9th में भी था। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन नहीं है बल्कि सोडियम क्लोराइड मोल्टन है, सोडियम क्लोराइड मोल्टन स्टेट में लिया गया है। नेक्स्ट। सो ये बेसिक समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम और ये बेसिक बताया है थोड़ा। नेक्स्ट, वी आर नाउ गोइंग टू सी हाउ एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन दी ओर बॉक्साइड। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को इलेक्ट्रोलाइसिस करके, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करके कैसे एल्यूमिनियम निकाला जाता है। आगे देखेंगे एल्यूमिनियम कैसे निकाला जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, जो बॉक्साइट ओर में है, बॉक्साइट ओर से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को इलेक्ट्रोलाइसिस करके एल्यूमिनियम कैसे निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये देखेंगे। ये क्वेश्चन में हमने देखा था, हमने समझा था सोडियम कैसे अलग करते हैं, ठीक है, उसके सॉल्ट से, सोडियम क्लोराइड से। नेक्स्ट देखो, मेरे पास इसका एक अच्छा सा वीडियो है जो मेरा नहीं है, किसी और टीचर का है, बट बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है और मतलब इजी टू मेमोराइज है, याद करने के लिए बहुत अच्छा है। पहले मैं इसको अपनी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, फिर वो वीडियो भी कोशिश करूंगा एंड में अटैच कर दूँ। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम बिंग रिएक्टिव, पहले एल्यूमिनियम के बारे में देख लेते हैं ये क्या है। एल्यूमिनियम का सिंबॉल है Al, कैपिटल A स्मॉल l, Al। एल्यूमिनियम का कलर होता है सिल्वर वाइट। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है 283 और एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3। मेटल है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और सैचुरेट हो जाता है। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और उस पर 3+ चार्ज आएंगे, एल्यूमिनियम पे 3+ चार्ज आएंगे। Al++ भी लिख सकते हैं या Al3+ भी लिख सकते हैं, ठीक है, 3+ चार्ज रहेंगे एल्यूमिनियम पर। सो एल्यूमिनियम, देखो ये क्यों किया है, प्रॉपर्टीज में पूछ सकते हैं, व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का सिंबॉल Al, एल्यूमिनियम का कलर सिल्वर वाइट, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283, वैलेंसी 3, और एल्यूमिनियम का जो मेजर बॉक्स ओर है उसे बॉक्साइट कहते हैं, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम जो ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है उस ओर का नाम है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम बिंग रिएक्टिव मेटल डज नॉट ऑकर इन नेचर इन फ्री स्टेट। एल्यूमिनियम बहुत रिएक्टिव रहता है तो नेचर में डायरेक्ट एल्यूमिनियम नहीं मिलता है, मतलब प्लेन एल्यूमिनियम, डायरेक्ट एल्यूमिनियम नेचर में पाया नहीं जाता है, वो किसी ना किसी से रिएक्टेड कंपाउंड फॉर्म में पाया जाता है। एल्यूमिनियम इज द थर्ड हाईली एबंडेंट एलिमेंट इन दी अर्थ क्रस्ट आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बाद जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अर्थ में, अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो एल्यूमिनियम है। तीसरा, देखो ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट। एल्यूमिनियम उसके ओर बॉक्साइट, जिसका फॉर्मूला है बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2O3NH2O, Al2O3NH2O बॉक्साइट। बॉक्साइट में क्या होता है, बॉक्साइट कंटेन 30-70% ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बॉक्साइट में 30-70% तक Al2O3 होता है यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एंड रिमेनिंग पार्ट इज गैंग। 30-70% एल्यूमिनियम ऑक्साइड रहता है और फिर बचा हुआ क्या रहता है, गैंग, कचरा, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ सैंड, सिलिका, आयन और आयन ऑक्साइड एक्सेट्रा। देखो बॉक्साइट में क्या रहता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ साथ सैंड होता है, सिलिका होता है, आयन ऑक्साइड रहता है, ठीक है, और भी जो इम्प्यूरिटीज यानी गैंग रहते हैं। देर आर टू स्टेप्स इन एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए दो स्टेप्स है, एल्यूमिनियम को निकालने के लिए दो तरीके हैं, एक है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। दो स्टेप है, एक है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट और, पहले कॉन्सेंट्रेशन करेंगे
और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे, पहला कॉन्सेंट्रेशन है और ये सेकेंड वाला है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एलिमिना। राइट, तो पहले कॉन्सेंट्रेशन में क्या करेंगे, लेट्स सी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड ओर, बॉक्साइड इज द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, सिलिका SiO2, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 एंड टिटेनियम ऑक्साइड TiO2 आर द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन बॉक्साइड। देखो बॉक्साइड में सिलिका SiO2, फेरिक ऑक्साइड यानी आयन ऑक्साइड Fe2O3 और टिटेनियम TiO2, ये तीन इम्प्यूरिटीज रहती है एल्यूमिनियम के साथ। हमें एल्यूमिनियम चाहिए, लेकिन एल्यूमिनियम के साथ साथ ये तीन इम्प्यूरिटीज भी है जो हमें नहीं चाहिए। बॉक्साइट में एल्यूमिनियम के साथ साथ सिलिका है, फेरिक ऑक्साइड है और टिटेनियम ऑक्साइड है, तो ये तीनों इम्प्यूरिटीज़ निकालनी है। ये तीन इम्प्यूरिटीज़ निकालेंगे तो बॉक्साइट का ओर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा और एल्यूमिनियम मिलेगा, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा, और फिर उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो प्योर एल्यूमिनियम मिलेगा। तो पहले क्या किया जाता है, बहुत ईजी है, ध्यान देना है, बॉक्साइट के साथ क्या किया जाएगा। सेपरेशन ऑफ दिस इम्प्यूरिटीज इज डन बाई लीचिंग प्रोसेस यूजिंग आइदर बेयर्स मेथड और हॉल्स मेथड। ठीक है, ये इम्प्यूरिटीज को निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं ये इम्प्यूरिटीज को, बॉक्साइट में एल्यूमिनियम के साथ साथ जो इम्प्यूरिटीज है उसको अलग कर सकते हैं या तो बेयर्स मेथड से या तो हॉल्स मेथड से। ठीक है, इन बोथ द, अच्छा इसको लीचिंग कहते हैं, लीचिंग प्रोसेस, चाहे बेयर्स से करो या हॉल्स मेथड से करो। इन बोथ दिस मेथड फाइनली द कॉन्सेंट्रेटेड एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन। दोनों भी मेथड, दोनों में से कोई भी मेथड करो, फाइनली कैल्सिनेशन करके एल्यूमिनिया निकालेंगे, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनिया। ठीक है, एल्यूमिना। अब पहले बेयर्स प्रोसेस पढ़ रहे हैं, बहुत सिंपल है, कुछ चीजें बस याद रखनी है। इन बेयर्स प्रोसेस द ओर इज फर्स्ट ग्राउंडेड इन अ बॉल मिल। सबसे पहले ओर को पीसा जाता है, भुक्का करेंगे, पाउडर करेंगे, किसमें, मिल में डाल के, बॉल मिल में ओर को पीसेंगे, बॉक्साइड ओर को बॉल मिल में ग्राउंडेड, ग्राउंडेड मतलब भुक्का, पाउडर करके, पाउडर करेंगे, पीसेंगे, पीस कर पाउडर करेंगे। देन इट इज लीच बाय हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। फिर उसको कॉन्सेंट्रेटेड कॉस्टिक सोडा के सॉल्यूशन के साथ गर्म करेंगे, हीट करेंगे, कितना हीट करेंगे, 140 टू 150 डिग्री सेल्सियस। ऑलराइट, पहले उसको भुक्का करेंगे और फिर ये जो पाउडर है बॉक्साइड ओर का पाउडर को सोडियम कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कॉस्टिक सोडा कहते हैं, NaOH के साथ गर्म करेंगे 140 से 150 डिग्री तक, 140 टू 150 अंडर हाई प्रेशर, प्रेशर के अंडर में 2 से 8 घंटा इन अ डाइजेस्टर। ठीक है, डाइजेस्टर में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये पाउडर किए हुए एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम और जो है बॉक्साइट, बॉक्साइट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 140 से 150 डिग्री तक प्रेशर के अंदर गर्म करेंगे। ठीक है, 2 से 8 घंटा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बीइंग एम्फोथेरिक इन नेचर, इट रीचेस विद द एक्वस सॉल्यूशन इन द, इट रिएक्ट विद द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म वाटर सॉल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट। क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्पोथरिक है नेचर में, एम्पोथरिक मीन्स जो मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट हो सकता है उसको एम्पोथरिक कहते हैं। जो मेटल ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्ट हो सकता है एज वेल एज बेस से भी रिएक्ट हो सकता है, ऐसे मेटल ऑक्साइड को एम्पोथरिक कहते हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्पोथरिक है, इसलिए वो रिएक्ट हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, NaOH बेस है, टू फॉर्म वाटर सॉल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट, और क्या बन जाता है, सोडियम एल्यूमिनेट, ये रहा सोडियम एल्यूमिनेट। ऑलराइट, देखो बहुत सिंपल है, बॉक्साइट को पहले पाउडर करेंगे, पीसेंगे, वो पाउडर बॉक्साइट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 140 से 150 डिग्री तक गर्म करेंगे अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, कितने समय के लिए, 2 से 8 घंटा। कहाँ करेंगे गर्म, डाइजेस्टर के अंदर। अब फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो गर्म हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोथरिक है तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होके सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। ठीक है, दिस मींस दैट बॉक्साइट इज लीच बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इसका मतलब बॉक्साइट का जो है, जो बॉक्साइट पाउडर है वो लीच हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ।
तो यहाँ पे रिएक्शंस में देख सकते हैं एल्यूमिनियम Al2O3 2H2O, ये बॉक्साइट है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्रिस्टल्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसमें वाटर क्रिस्टल्स है Al2O3 2H2O, किससे रिएक्ट हो रहा है, NaOH से, ठीक है। और क्या बन रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट NaAl2, NaAlO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये लीच हो गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट हो गया मतलब लीच हुआ, और क्या बना, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, ठीक है, प्लस सम क्रिस्टल्स ऑफ वाटर। द आयरन ऑक्साइड इन द गैंग डज नॉट डिजॉल्व इन एक्वे सोल्यूशन हाइड्रोक्साइड, इसमें जो आयरन पार्टिकल्स है, द आयरन ऑक्साइड इन द गैंग, जो वेस्ट पार्टिकल्स है उसमें आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, वो इसमें डिजॉल्व नहीं होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में। देखो गैंग में क्या क्या था, जो वेस्ट था उसमें था सिलिका, फेरिक ऑक्साइड, टिटेनियम ऑक्साइड, इसमें जो फेरिक ऑक्साइड है ना इसको आयरन ऑक्साइड कहते हैं, ये रिएक्ट नहीं होता है, आयरन ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट नहीं होता है। द आयरन ऑक्साइड इन द गैंग डज नॉट डिजॉल्व इन एक्वेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, और फिर जब छानते हैं फिल्टर पेपर पे, जब छानना होता है फिल्टर करते हैं तो इजिली आयरन ऑक्साइड उसमें अलग हो जाता है, ठीक है। हाउएवर सिलिका इन द गैंग डिजॉल्व इन द एक्वेस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म वाटर सोलेबल सोडियम सिलिकेट, राइट। देखो सिंपल, बॉक्साइट में क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और ये दो गैंग भी है, सिलिकॉन ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड। अब पहले सबसे पहले क्या किए, इसको पाउडर किए, इसके साथ वाटर क्रिस्टल्स भी है 2H2O सपोज, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, पहले बॉक्साइट को पाउडर करेंगे, इसको पाउडर बनाएंगे यानी पीसेंगे, ठीक है, फिर इसके पाउडर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, ये पाउडर को, ये जो बॉक्साइड है Al2O3 इसको किससे रिएक्ट करेंगे, NaOH से, मतलब ये पाउडर को बॉक्साइड को, तो ये भी रिएक्ट होगा, ये भी रिएक्ट होगा, ये भी रिएक्ट होगा, राइट। सो Fe2O3 NaOH से रिएक्ट होगा और क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम Al2O3 प्लस सम क्रिस्टल्स ऑफ वाटर है तो 2H2O, और वो रिएक्ट होके बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट NaNaAlO2, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। मैं बैलेंसिंग नहीं किया है, सिर्फ समझा रहा हूँ, प्लस सम वाटर, तो ये सोडियम एल्यूमिनेट बना, ठीक है। चलो जब इसको रिएक्ट करे, ये पाउडर को, ये सबको रिएक्ट करे, तो ये दोनों भी है साथ में, तो इसमें ये भी रिएक्ट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सिलिका भी रिएक्ट होता है, बट ये जो आयरन ऑक्साइड है ये रिएक्ट नहीं होता। देखो ये रिएक्ट होता है और सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, सिलिका रिएक्ट नहीं होता है पर उसमें घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, लेकिन ये रिएक्ट भी नहीं होता है और घुलता भी नहीं है, ठीक है। तो इसके पार्टिकल्स वैसे ही रहते सॉलिड में, ये घुल जाते हैं, दोनों लिक्विड में चले जाते हैं बट ये सॉलिड में ही रहता है। तो जब फिल्टर पेपर पे उसको छाना जाता है, जब फिल्टर पेपर पे रख के छाना जाता है, छाना जाता है ये सल्यूशन पूरा, ठीक है, तो इसमें से कौन कौन नीचे निकल जाता है, जब इसको छानते हैं तो नीचे एल्यूमिनियम ऑक्साइड पार हो जाता है, एल्यूमिनेट सोडियम एल्यूमिनेट पार हो जाता है NaAlO2, ये इसमें आ जाता है, प्लस सिलिका भी, सिलिका ऑक्साइड जो डिजॉल्व हो जाता है वो भी इसमें आ जाता है SiO2। और कौन फिल्टर पेपर पे निकल जाता है, कौन इसको पार नहीं कर पाता, फिल्टर पेपर पे जमा हो जाता है Fe2O3, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 इधर जमा हो जाता है, यहाँ से इसको अलग कर सकते हैं, एक इम्प्यूरिटीज बाहर हो गई, दो बची अभी, एक बची अभी, पहले दो थी, आयरन ऑक्साइड निकल गया, क्यों, क्योंकि वो डिजॉल्व नहीं हुआ तो फिल्टर पेपर पे ब्लॉक हो गया, और सिलिका और सिलिका ऑक्साइड और सोडियम एल्यूमिनेट अब तक बना है। तो आगे देखते हैं कहाँ तक हमने कंटिन्यू किया था, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो एक बार रिपीट कर लूँ, द आयरन ऑक्साइड इन द गैंग डज नॉट डिजॉल्व इन द एक्सेस सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड, इट इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, वो डिजॉल्व नहीं होता है और फिल्टर करके अलग कर दिया जाता है। हाउएवर सिलिका इज द गैंग डिजॉल्व इन द एक्वेस सॉल्यूशन एक्वेस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म वाटर सोलेबल सोडियम सिलिकेट, लेकिन सिलिका डिजॉल्व हो जाता है और क्या बन जाता है, सोडियम सिलिकेट, सिलिका उसके साथ रिएक्ट होता है और क्या बनता है, सोडियम सिलिकेट, और ये
और सोडियम एल्यूमिनेट दोनों लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, और इसके पार्टिकल आयन ऑक्साइड के पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, फिल्टर पेपर पे इजीली सेपरेट हो जाते हैं। एक्वेस सोडियम एल्यूमिनेट इज डाइल्यूट बाय पुटिंग वाटर एंड इज कूल टू 50 डिग्री। अब यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस नाम का प्रोसेस शुरू होता है, सोडियम एल्यूमिनेट को पानी में डाला जाता है और उसमें पानी ऐड किया जाता है, और 50 डिग्री तक पहले गर्म किया जाता है, सॉरी गर्म तो रहता ही है क्योंकि 140-150 डिग्री तक हीट किया था, तो इसमें पानी डाला जाता है और उसको ठंडा करते हैं 50 डिग्री तक। ठीक है, द रिजल्ट इन प्रिपेरेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी वजह से क्या बनता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। देखो यहाँ पर उसका रिएक्शन दिया है, सोडियम एल्यूमिनेट को और वाटर डाल के, उसमें और पानी डाल के उसको 50 डिग्री तक कूल करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम एल्यूमिनेट को पानी में डालकर 50 डिग्री और एक्स्ट्रा उसमें पानी डालकर, सोडियम एल्यूमिनेट में पानी डालकर उसको 50 डिग्री तक कूल करेंगे, ठीक है, तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसको हाइड्रोलाइसिस कहते हैं ये प्रोसेस को। ऑलराइट, यहां तक। इसके बाद यहाँ पे हॉल्स प्रोसेस के बारे में लिखा है। अब दोनों एक साथ बताएंगे तो कंफ्यूजन होगा, तो पहले बॉक्साइट ओर का आगे का पूरा कंप्लीट करते हैं, सॉरी बेयर्स प्रोसेस का आगे का पूरा कंप्लीट करते हैं। देखो यहाँ तक बेयर्स प्रोसेस खत्म, इसके बाद से सेम प्रोसेस है। हॉल्स प्रोसेस सेम, मतलब जैसे बेयर्स प्रोसेस की है वैसे ही एक प्रोसेस है हॉल्स प्रोसेस, और फाइनली यहाँ तक आएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तक। बॉक्साइट से शुरू होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तक आएगा हॉल्स प्रोसेस में, ठीक है, जैसा कि बेयर्स प्रोसेस में हुआ, बॉक्साइट से शुरू किए और फेरिक ऑक्साइड एक इम्प्योरिटीज बाहर हो गई और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तक फाइनली पहुंचे। सेम मेथड दूसरे, सेम सेम काम होगा बट दूसरे मेथड से, हॉल्स प्रोसेस नाम से। इसमें क्या करेंगे, सेम बॉल मिल में पीसेंगे, पाउडर करेंगे ओर को, और एक्वेस सोडियम कार्बोनेट के साथ वो करेंगे, हीट करेंगे। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया हुआ था, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ पाउडर करके सोडियम कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया था 140 से 150, लेकिन इसमें क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट के साथ डाइजेस्टर में हीट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या बनेगा, वाटर सॉल्युबल सोडियम एल्यूमिनेट, इसमें भी सेम वाटर सॉल्युबल सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। देन द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज आर फिल्टर्ड आउट, और जो भी सॉल्युबल नहीं रहेगा इम्प्योरिटीज वो फिल्टर, मतलब बाहर हो जाएगी फिल्टर पेपर से। द फिल्ट्रेट इज वॉर्म एंड न्यूट्रलाइज बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू इट, और फिर जो फिल्ट्रेट में बचेगा यानी सोडियम एल्यूमिनेट, उसमें क्या करेंगे, उसको ठंडा करेंगे और न्यूट्रलाइज करेंगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करके। दिस रिजल्ट इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें भी क्या बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये हॉल्स प्रोसेस है, ये बेयर्स प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट बेयर्स प्रोसेस है। हॉल्स प्रोसेस का डिटेल भी नहीं दिया है, शॉर्ट में दिया है। क्या करेंगे, इसमें बॉक्साइट को पाउडर करेंगे और सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे डाइजेस्टर में, जो उसमें एल्यूमिनियम है वो सोडियम के साथ रिएक्ट होकर सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, फिर सोडियम एल्यूमिनेट को ठंडा कर उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस से न्यूट्रलाइज करेंगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। ये हॉल्स प्रोसेस है, हॉल्स प्रोसेस का रिएक्शन दिया है नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 104। देखो बहुत ट्विस्टेड टॉपिक्स है, इतना ईजी नहीं है, ठीक है, तो इसके रिएक्शन हॉल्स प्रोसेस के, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O32H2O, इसको इस बार किससे रिएक्ट कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 से, तो क्या बन रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। राइट, और फिर ये सोडियम एल्यूमिनेट को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में ही रखकर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का गैस पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या बन, सेम यही रिएक्टेंट में रखकर फिर आगे ये और रिएक्शन होगा इसमें, और क्या बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट AlOH3 प्लस Na2CO3, तो AlOH। तो बेयर्स प्रोसेस से भी यहां तक आया था और हॉल्स प्रोसेस से भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तक आएगा। द प्रेसिपिटेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन्ड इन बोथ बेयर्स एंड हॉल्स प्रोसेस इज फिल्टर्ड, और फिर जो भी इसमें रिजल्ट में मिलेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड उसको फिल्टर करेंगे, वॉश ड्राइड, धोएंगे, सुखाएंगे एंड देन कैल्सिनेटेड बाय हीटिंग एट 1000 डिग्री सेल्सियस टू ऑब्टेन एल्यूमिना। उसको फिल्टर करेंगे, धोएंगे, सुखाएंगे, कैल्सिनेशन करेंगे, कैल्सिनेशन मतलब उसको जलाएंगे, ठीक है, कितना जलाएंगे,
1000 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट करेंगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlO3 से Al2O3 प्लस वाटर, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और वाटर बनेगा। राइट, सो फाइनली वी गॉट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में करके प्योर एल्यूमिनियम निकालेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम कैसे निकालते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से एल्यूमिनियम को सेपरेट करके कैसे अलग किया जाता है, Al2O3। तो ये O3 को Al2 से कैसे अलग करेंगे, वो इलेक्ट्रोलाइसिस में है। अच्छा, ये अभी मैं एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ, ये वीडियो मेरा नहीं है सो आई डोंट वांट द क्रेडिट, लेकिन वीडियो इसलिए अटैच कर रहा हूँ, उसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत सिंपल, जो भी टीचर ने उसको किया है एक्सप्लेन, वेरी गुड तरीके से एक्सप्लेन किया है। और एक बोलते हैं ना, एक अलग तरीके का साउंडिंग, एक अलग तरीके का वर्डिंग्स यूज़ किया है, अलग तरीके का प्रोनंसिएशन यूज़ किया है एलिमेंट्स के लिए, जो ज़्यादा जिससे बोलते हैं ना याद रखना, रिएक्शंस को याद रखना थोड़ा इजी हो जाता है। सो आई लाइक द वीडियो, और वो वीडियो यूट्यूब पे भी कहीं है नहीं, आई गॉट द वीडियो ईयर्स अगो, तो वो वीडियो अब तक मेरे पास है। सो आई एम अटैचिंग इट फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट, तो आई डोंट वॉन्ट द क्रेडिट ऑफ द वीडियो, बट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो, ये मेरा मोटो है। राइट, सो ये वीडियो देखो आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करो, ताकि सबको बेयस प्रोसेस इजी लगे। बेयस प्रोसेस थोड़ा सा टफ है, हॉल्स प्रोसेस थोड़ा सा टफ है, वो इजी लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद बेयर्स प्रोसेस। ओके, नाउ वी हैव टू टेक द ओर, ओके, द बॉक्साइट ओर। वी हैव टू क्रश दिस ओर इन टू पाउडर एंड वी हैव टू टेक इट इन अ बीकर। इन दिस बीकर वी हैव टेकन कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाउ क्रश द ओर, एड द ओर इन टू दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड। नाउ व्हाट आर यू गोना डू नेक्स्ट इज यू आर गोना हीट इट, उसको जलाओ। At 140 to 150 degrees Celsius, you're going to heat it under high pressure. How you're going to create high pressure is you're going to cover this tank, okay? This is all this tank which you have taken, the beaker which you have taken is called as a digester. इसको आप cover कर दोगे कोई भी heavy metal lid से, तो the pressure inside will be created. Students, heating चालू है, आप उसको cover कर रहे हो, definitely अंदर pressure create होगा। तो आई रिपीट, वी आर टेकिंग अ टैंक विच इज कॉल्ड एज अ डाइजेस्टर। इन दिस डाइजेस्टर वी हैव टेकन कॉस्टिक सोडा लिक्विड, दैट इज नथिंग बट सोडियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड। इन दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड वी आर एडिंग द क्रश्ड ओर, दैट्स अ बॉक्साइट ओर विच इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिका एंड आयन ऑक्साइड। ओके, यू कवर इट विद अ स्टील टैंक, आई एम सॉरी, यू कवर इट विद अ मेटल लिड टू क्रिएट हाई प्रेशर। As soon as we do this, and we have to heat it for 2 to 8 hours. Let me tell you, students, don't forget, you have to heat it for a long, long time. Okay? So you're going to heat it for a long time. Inside, as you're heating, the reactions have started. The reactions are taking place. And what you're going to get, let's understand. सबसे पहले, aluminium oxide is going to react with NaOH. L2O3, NaOH रिएक्ट करेगा और आपको मिलेगा ना अलाउड टू सोडियम एल्यूमिनेट एंड पानी, ना अलाउड टू एंड पानी, NaAlO2 प्लस H2O। नेक्स्ट इज सिलिका, जो सैंड था, ये सिलिका SiO2 जो आप देख रहे हो, दैट विल गेट कन्वर्टेड, इट विल रिएक्ट विद NaOH एंड फॉर्म सोडियम सिलिकेट, एंड फॉर्म सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट यू आर सीइंग इज आयन ऑक्साइड पीसेस, NaOH से रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये जो Fe2O3 का जो पीसेस है वो ऐसे का ऐसे ही है, इट इज नॉट रिएक्टिंग विद NaOH। आई विल टेल यू व्हाई। आयन ऑक्साइड इज अ मेटल ऑक्साइड, आयन मतलब मेटल, तो आयन ऑक्साइड इज अ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड बेस से कभी रिएक्ट नहीं करता है, ये हमने पढ़ा है। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड्स, नॉट विद बेसिस। तो आयन ऑक्साइड इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद NaOH, ऑलराइट, इट रिमेन्स एज इट इज। राइट, नाउ व्हाई डिड देन एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद NaOH? बिकॉज एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज अ मेटल ऑक्साइड, बट इट्स अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इट कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। टॉकिंग अबाउट सिलिका SiO2, इट्स अ नॉन मेटल ऑक्साइड, और नॉन मेटल ऑक्साइड तो
बेस से आराम से रिएक्ट करता है. ओके, तो दीज वर द रीजंस अबाउट द रिएक्शन. अच्छा, अभी हमारे पास बीकर में क्या क्या है. वी आर हैविंग सोडियम एल्यूमिनेट लिक्विड, सोडियम सिलिकेट लिक्विड एंड आयन ऑक्साइड पीसेस. ऑलराइट, लेट्स सी द फर्स्ट रिएक्शन. Al2O3 प्लस NaOH गिव्स यू NaAlO2 प्लस H2O. वॉट इज NaAlO2 कॉल्ड एज सोडियम एल्यूमिनेट. ओके, नाउ लेट अस बैलेंस दिस रिएक्शन. एल्यूमिनियम 2 ऑन द लेफ्ट साइड, 1 ऑन द राइट साइड. What should I do? Multiply by 2. Baju wala's got affected. Sodium became 2 on the right side. Sodium is 1 on the left side. What should I do? Multiply by 2. Baju wala's got affected. See, sodium ke baju mein hai oxygen and hydrogen. Oxygen ho gaya 2 and 3 on the left side students. Al2O3 mein 3 oxygen, NaOH mein 2 oxygen. So 3 plus 2 becomes 5. So 5 oxygen on the left side. On the right side, there are already 5 oxygen. 2 2s are 4 plus 1 in water. So 5 oxygen. Oxygen got balanced. Let's check hydrogen. 2 hydrogen on the left side, 2 hydrogen on the right side. So the reaction is balanced. Alright. Now, come back to the digester. In the digester, we had two things in the liquid state, one in the solid state. जो दो liquid state में वो कौन है? Sodium aluminate and sodium silicate. अब आप मुझे बताओ, हम लोग को iron oxide pieces तो impurities है, गैंज है, वो हमको नहीं चाहिए. तो best है, वो हमको solid form में मिल चुका है iron oxide pieces. तो अगर वो नहीं चाहिए, तो what we can do is we can filter this liquid. पीसेस जो आयन ऑक्साइड का है वो फिल्टर पेपर पे रह जाएगा फनल पे, एंड वी आर गोइंग टू गेट द लिक्विड इन द डाइजेस्टर, दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम सिलिकेट का लिक्विड मिल गया. नाउ स्टूडेंट्स, वी नो दैट दिस लिक्विड इज हॉट हॉट लिक्विड, करेक्ट? सो वी नीड टू कूल डाउन दिस लिक्विड, क्योंकि हमने उसको इतना देर हीट किया था तो इट वॉज अ हॉट लिक्विड. अब टू कूल इट डाउन वी हैव एडेड वॉटर इन इट. अभी वाटर ऐड करने से सिर्फ कूल डाउन ही नहीं होगा, अंदर रिएक्शन होगा, और वो रिएक्शन होगा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, लेट मी एक्सप्लेन यू. हाइड्रो मतलब वाटर, लिसिस मतलब ब्रेक. तो वाटर सोडियम एल्यूमिनेट को तोड़ेगा, वाटर के मदद से सोडियम एल्यूमिनेट विल ब्रेक. ओके, नाउ लेट सी हाउ. स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट वाटर वी हैव रिटन इट एज H.OH, which is one and the same. H2O can be written as HOH. Alright. Now, as soon as I have added water, sodium aluminate started reacting with water. Okay, now let's see how the reaction is taking place. When you stir this liquid, the aluminate ALO2 will react with hydrogen, okay, and form aluminium hydroxide precipitate. What it will form? Aluminium hydroxide precipitate, which is AlOH thrice. Okay, bacha kya? Na and OH. Na aur OH react karega aur NaOH sodium hydroxide base banayega. अब ये जो पीसेस, जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं अंदर, दैट्स अ सॉलिड फॉर्म, दैट्स अ प्रेसिपिटेट फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. तो आपको अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पूरा प्रेसिपिटेट मिल गया एंड NaOH लिक्विड बन गया. सोडियम हाइड्रोक्साइड गॉट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड. सो लेट्स सी द सेकेंड रिएक्शन विच यू कैन सी देयर. हमने वो लिक्विड में वाटर ऐड किया, तो वाटर से कौन रिएक्ट किया? ना अलाउड टू, दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट. सोडियम एल्यूमिनेट पानी से रिएक्ट करके आपको क्या मिला? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड. ओके, आप बोलोगे सोडियम सिलिकेट किधर है? उसी के अंदर है लिक्विड. ओके, दैट इज नॉट रिएक्टिंग विद द वॉटर विच वी हैव एडेड, बिकॉज इट्स जस्ट अ सैंड, इट्स अ फॉर्म ऑफ अ सैंड विच इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद वॉटर एंड गिव यू समथिंग न्यू. ऑलराइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड द बैलेंसिंग ऑफ द सेकेंड रिएक्शन. Sodium 1 on the left side, 1 on the right side. Aluminium 1 on the left side, 1 on the right side. Oxygen 2 plus 1, 3 on the left side. Oxygen 3 plus 1, 4 on the right side. So, left side mein 3 oxygen hai, odd hai, I have to make it even. How am I going to make it even? Very simple students. NaAlO2 ka oxygen to even hai.
तो उसको कुछ नहीं करना है. H2O का जो एक ऑक्सीजन है वो ऑड है, तो मल्टीप्लाई दैट बाय 2. ऑक्सीजन देखो 4 हो गया है, 2 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन 4. ओके, बट एज सून एज यू मल्टीप्लाइड वाटर बाय 2, बाजू वाला गॉड अफेक्टेड. हाइड्रोजन बिकेम 2 to the 4. ऑन द राइट साइड हाइड्रोजन इज 3 + 1 = 4. सो द रिएक्शन इज बैलेंस्ड. ऑलराइट, नाउ व्हाट ऑल थिंग्स डू वी हैव इन द बीकर, लेट्स क्विकली रिवाइज. वी हैव सोडियम सिलिकेट लिक्विड, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड, एंड वन प्रेसिपिटेट विच इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू फिल्टर दिस. द क्वेश्चन विल बी व्हाई. आप मेरे को बताओ, सोडियम सिलिकेट हम लोग को नहीं चाहिए, वी आर इंटरेस्टेड इन एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम सोडियम सिलिकेट में नहीं आता है, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सोडियम सिलिकेट. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें भी AL दिखाई नहीं दे रहा है. NaOH में AL है नहीं, तो हम लोग को NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सिलिकेट नहीं चाहिए. ये दोनों लिक्विड फॉर्म में है और हमको जो चाहिए वो सॉलिड फॉर्म में, दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट विच इज इन द सॉलिड फॉर्म. तो जो हमको सॉलिड चाहिए हम लोग को वो मिल जाएगा बाय जस्ट फिल्टरिंग. ओके, फिल्टर पेपर पे, इस बार फनल पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पाउडर विल रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर. उसको हम नहीं फेंकेंगे इस बार, दैट वी नीड इट. और जो लिक्विड है नीचे, दैट वी कैन थ्रो इट. ओके, because we don't need the liquid. Now take this precipitate of aluminium hydroxide जो आपको funnel पे मिला है, उसको एक beaker में ले लो और वो beaker को stand पे रखते हुए उसको burner से heat करो. आप देख रहे हो जैसे ही आप aluminium hydroxide को 1000 degrees Celsius पे ignite करोगे, मतलब heat करोगे, तो water vapor goes away. H2O चला जाएगा और जो अंदर सॉलिड बचा है बीकर में, दैट इज वॉट यू वॉन्टेड, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड L2O3. ऑलराइट, सो लेट अस सी द लास्ट रिएक्शन. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज AlOH थ्राइज व्हेन हीटेड एट 1000 degrees Celsius विल गिव यू एल्यूमिनियम ऑक्साइड L2O3 एंड वॉटर दैट इज पानी गया हवे में. Alright, now let us balance this reaction. Aluminium 1 on the left side, 2 on the right side. So on the left side, what should I do? Multiply by 2. Baju wala has got affected. Oxygen became 2 3s are 6 on the left side. Oxygen is 3 plus 1, 4 on the right side. I have to make 6 oxygen on the right side. How am I going to do that, students? तीन ऑलरेडी Al2O3 में है, तीन भी ऑड है, H2O में एक ऑक्सीजन है वो भी ऑड है. कुछ इवन करने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग इसको इजीली सिक्स कर सकते हैं. Al2O3 में तीन ऑक्सीजन है, वाटर में एक ऑक्सीजन है, 3 + 1 = 4 हुआ, लेकिन अपने को 6 चाहिए. कैसे करेंगे? Al2O3 का तीन ऑक्सीजन वैसे ही रखो, 3 + क्या 6 होता है, 3 6 होता है. तो आई विल मल्टीप्लाई वाटर बाय 3. जैसे ही मैंने वाटर को 3 से मल्टीप्लाई किया, आप देखोगे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है. तीन ऑक्सीजन वाटर का, तीन ऑक्सीजन Al2O3 का, 6 हो गया. आपने वाटर को 3 से मल्टीप्लाई किया, बाजू वाला ऑफ वाटर दैट इज हाइड्रोजन बिकेम 3 to the 6. हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट साइड स्टूडेंट्स इफ यू सी इज ऑलरेडी 6, 3 to the 6. ऑलराइट, सो द रिएक्शन इज बैलेंस्ड. Now, this full process is Bayer's process. We wanted aluminium oxide and we got aluminium oxide. आप सोचोगे, मैम aluminium oxide तो हम लोग के पास पहले से ही था, फिर ये इतना बड़ा process क्यों किया? क्योंकि aluminium oxide का जो आपको ore मिला था जमीन के नीचे, जो वो stone मिला था, उसके अंदर iron oxide और silica कचरे के form में अंदर ही था, जो हमको उसमें से separate करना था. आयन ऑक्साइड अभी नहीं है, सिलिका नहीं है, क्योंकि हमने ये पूरा प्रोसेस करके दोनों को निकाल दिया है. ओके, तो नाउ वी हैव एल्यूमिनियम ऑक्साइड. इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ओवर? नो, दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप. ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिला है. सेकेंड स्टेप में हम लोग ऑक्सीजन निकाल देंगे बाय रिडक्शन, बाय पासिंग करंट, एंड देन वील गेट एल्यूमिनियम. राइट, सो दिस बेयर्स प्रोसेस इज अ 5 मार्क आंसर.